हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम इस पार्ट टू के अंदर जहां ईएमएफटी के कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। स्पेशली क्वेश्चंस के जो वीडियो है वो थोड़ा सा इसलिए भी लेंथी हो रहा है क्योंकि आपको पता है इसरो और बार्क के थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसके अंदर और वो थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं जो थ्योरेटिकल चीज़ें पूछते वक्त। लेकिन यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि इसको कंसाइस वे के अंदर आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ ताकि उसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग जानना भी है तो आप मुझे, फिर से कह रहा हूँ, पर्सनली इसके अंदर जो यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं जिसमें मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप खुद भी अपने लेवल पर इनके बारे में बुक्स को रेफर करके सर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सड़ी को हेट जो होती है वो होती ही है, साथ में बेसिक्स जो अगर आप जानते हैं तो एच सी वर्मा को भी आप यूज में सकते हैं बेसिक्स जानने के लिए। एच सी वर्मा की काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ सकती है और स्पेशली ये इन इंटरव्यूज में बहुत काम में भी आता है। नाउ अब शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन की ओर। यहाँ पे ये उस सीरीज के अंदर 21 हो सकता है जो 20 क्वेश्चन का मैंने पहले अलग वीडियो बनाया है। उसके सिवा जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब स्पेशली ईसी के कोर जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज ईएम वेव, एक्सप्लेन ईएम वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। तो बता दूँ फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा आपको मिलती है क्योंकि हमने देखा जैसे मैक्सवेल के इक्वेशन, हमने ये चीज़ सीखी थी कि डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू होता है माइनस डेल वी बाई डेल टी। यानी कि अगर रैंडम को एक मैग्नेटिक फील्ड चेन बन रहा है मेरे लिए और अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, रैंडम दुनिया में सब चीज़ें जो हमको मिलती है वो हमेशा तुम्हारे लिए कोई कंसाइज नहीं हो सकती, वो होमोजेनस नहीं होती, वो नॉन होमोजेनस वे में होती है, वो टाइम के साथ वेरी कर सकती है, उसके अंदर सारे कम चीज़ें हो सकती है, वो फंक्शन कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, वो टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है। तो अगर हम जनरल वे में बात करें तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमें टाइम के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वापस जो जनरेट हो रहा है वो भी टाइम के साथ बदल रहा है तो वो वापस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा तुम्हें मिल रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा आपको मिल रही होगी, तो वो कहलाती है आपकी ईएम वेव। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तुम्हें मिलती है वो हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। आपने बहुत सी जगह ये डिज़ाइन देखी होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके लिए ये अगर मैं बात करूं कि ये अगर आपके लिए x है, ये y है, तो ये z डायरेक्शन होगी, वेव z डायरेक्शन में तो जा रही है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड h अगर ऐसा है तुम्हारे लिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेड कलर में हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो इसका जो वेव की प्रोपोर्शन है वो जेड में जा रही होगी। तो इस तरह से कुछ ईएम वेव होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही होगी, साथ में इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ऐसे एक ईएम वेव आपको मिलती है हमेशा फ्लो होते हुए, तो एक जनरल। और ये ईएम वेव अगर आप मुझे बोले तो मैं बहुत फिलोसॉफिकल टच देता हूँ एज ए इंटरेस्ट बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स के बीच में। मैं हमेशा समझाता हूँ कि देखिए ईएम वेव अपने आप में हर जगह नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ नहीं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं सब कुछ मैथमेटिक्स में ही है, सब कुछ मैथ्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। एडिसन और सर बोलते होंगे आपको कि दुनिया में सारी चीज़ें तीन चीज़ों में टिकी हुई है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, वो अपनी जो पूरी सेमीकंडक्टर की थ्योरी है उस तरह से देते होंगे। मैं बोलता हूँ कि सारी चीज़ों को अगर रूट कॉज है तो वो ईएम वेव्स है। हर टाइम हर इंसान जो जहाँ भी प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब क्या है उसके मेंटल लेवल पर जो वो ईएम वेव जनरेट कर रहा है हर टाइम उस पर डिपेंड करता है। ईएम वेव से हम चारों तरफ घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा मिल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव जनरेट हो रही है हमेशा। कोई भी वेव के अगर अंदर एग्जिस्टेंस पार देखेंगे तो आप वो अपने आप में एक ईएम वेव ही होती है। आप सन से जो रेज मिल रही है, वो रेज जो आपको मिल रही है वो एक ईएम वेव्स की फॉर्मेट में है, वो अलग फ्रिक्वेंसी पे है, ये बात अलग है। हर वेव्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जा रहा है और जो पैदा होते जा रही है अपने आप में ईएम वेव्स हमेशा, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हो सकती है, पर हर टाइम कोई ना कोई ईएम वेव मिल रही है। जैसे कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मानता हूँ सबसे हमेशा एक पॉजिटिव वेव्स मिल रही है, तो एक अलग फ्रिक्वेंसी की पॉजिटिव वेव जनरेट हो रही है। जो हम लोग पॉजिटिव वेव जनरेट कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह के अंदर कुछ बेकार लोग होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव वेव्स जनरेट कर रहे हैं उनके, क्योंकि थॉट प्रोसेस से वहाँ जनरेट हो रही है। यहाँ सोर्स है जिससे आप जनरेट कर रहे हैं हर टाइम, जो अपने थॉट से अपने विचार है वो पॉजिटिव रखिए हमेशा। आप पॉजिटिव सोचिए, आपका गेट का टारगेट जो आपने लिया है, आपने जो अगला टारगेट इंटरव्यू के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपसे हमेशा पॉजिटिव वेव्स जनरेट होती रहेगी। तो ईएम वेव आपसे हमेशा हर टाइम जनरेट होती है और वो हम चारों उसके घिरे हुए हैं। इवन अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच दें, तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा समझाते हैं। अगर आप डीप में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि धीरे धीरे कि सारा ब्रह्मांड इवन ईएम वेव से बना हुआ है, सारी सारी वेव्स है,
कोई भी इवन थोड़ा अजीब लग सकता है वो ले पार्ट की, वहाँ वो समझाया जाता है स्पिरिचुअल वे के अंदर कि वहाँ पर कोई भी चीज़ जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े ज्ञानी लेवल पे अलग ही लेवल पे जब वो जाते हैं मेडिटेशन के अंदर, तो वो कहते हैं कि इवन हर सॉलिड चीज़ भी अपने आप में सिर्फ ईएम वेव से बनी हुई, वो डिटेलिंग आपको दिखती है अगर आप अंदर गहराई में उतरते हैं, अपने अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है उसको अगर आप समझते हैं तो उसके बाद आपको दिखती है कि दुनिया की सब चीज़ें अपने आप में ईएम वेव से बनी हुई है, बस वो हमेशा अलग अलग फ्रिक्वेंसी साथ रहते रहते हमेशा एक ठोस सॉलिड फॉर्म में चली गई, कुछ लिक्विड फॉर्म में चली गई, वो उस फॉर्म में चली गई उसमें चिपक गई है, और आपको अगर उसके अंदर तक के पार्टिकल इतने आसान से नजर आते हैं तो वो सब के सब वाइब्रेट कर रहे हैं, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, वो ईएम वेव जनरेट कर रही है। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि हम इतना टच ना लेके हम ये बात करें सिंपल सा कि आपको पता है कि मैक्सवेल इक्वेशन से मैं बात करूँ तो मैक्सवेल इक्वेशन सिर्फ ये कहता है कि हर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेल क्रॉस सी माइनस डेल वी बाई डेल टी पर डिपेंड करता है, ऐसे डेल क्रॉस एच जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी डेल डी बाई डेल टी पर डिपेंड कर रहा है। क्या कह रहा है इसका मतलब, टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम से बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इस तरह से एक ईएम वेव हमेशा जनरेट होती रहती है। तो ये आपको पसंद में आनी चाहिए कि ईएम वेव क्या चीज़ होती है। हाँ, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अलग अलग वेव्स आप देखते हैं, रेडियो वेव्स देखते हैं आप, वहाँ पे एक्सरेज देखते हैं आप, गामा रेज देखते हैं आप, ऑप्टिकल रेज देखते हैं आप, विजिबल रेज देखते हैं, सब ईएम वेव्स है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की। कोई मुझे बोल रहा है इस बंदे से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ईएम वेव्स है, वो एक वेव्स दे रहा है, आप वेव्स दे रहे हैं, आपके काम करने से आपके चारों ओर का सराउंडिंग एक अलग वेव्स के साथ आपने पैदा कर दिया है, सब ईएम वेव्स की कहानी है। बट ये अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ लॉ है वहाँ से हम समझ सकते हैं कि टाइम वेरिंग फील्ड्स एक दूसरे के बीच कनेक्ट करते हैं और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज़ भी अगर आप चाहें तो डेरिवेशन समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको होता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो जो डायरेक्शन है, और क्रॉस ई यानी कि कर्ल का जो क्रॉस है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो टीईएम वेव की हम जो बात करते हैं इन जनरल जो वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव है वो आपके एक दूसरे के क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है। तो वो जो ईएम वेव आपको मिल रही है हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और जो उसकी डायरेक्शन है वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं TEM वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि हम बात करें फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ UPW, यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या होती है। फिर तो बता दूँ कि जैसे आपने TEM वेव देखा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या था TEM वेव, मैंने कहा था अभी आपको समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए जो फ्लो हो रही होती है, अगर वो फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के, तो उसे हम बोलते हैं TEM वेव। अदरवाइज TE वेव भी होता है, यानी कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। E और H तो हमेशा परपेंडिकुलर है, ये तो तय है हमेशा, बट जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो। अगर हम बात करें एक नॉर्मल चारों ओर, अगर हम इस एनवायरनमेंट में बात करें कि स्पेस में आपके अगर एयर में बात करें हम सिंपल सा, तो हमें जो EM वेव्स मिल रही है वो TEM वेव ही है जो फ्लो हो रही है आपके जो यूनिवर्स में जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो परपेंडिकुलर चलती जा रही है, फ्लो होती जा रही है, तो वो हमारे लिए TEM वेव है। पर अगर हम किसी गाइडेड मीडियम के थ्रू जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे TEM, TEO, TM अलग अलग वेव्स भी हो सकती है, जिसके बारे में बात करेंगे वेव गाइड और ट्रांसमिशन लाइन में। बट आप बात करें यूनिफॉर्म प्लेन वेव तो वो क्या होती है, तो देखिए EM वेव सिंपल सी हर जगह जनरेट जरूर होगी, लेकिन अगर हमें चलाकर अपने हाथ से जनरेट करनी है, हम अब बात नहीं करते हैं फिलोसफिकल टच के कि हमेशा पैदा हो रही है, हम चलाकर फिजिकल जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, हम माइक्रोस्कोपिक नहीं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना चाहते हैं कि हम खुद से एक ईएम वेव जनरेट करें, तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करते हुए पैदा करना होगा, या मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करना होगा ताकि उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो और वहाँ पे कुछ ऐसा जनरेट हो कि वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो हम ईएम वेव सोर्स जनरेट कर सकते हैं, ईएम वेव बना सकते हैं। जब हमने एक ईएम वेव जनरेट की तो वो जो ईएम वेव जनरेट होती है जिस सोर्स से, उस सोर्स से जो ईएमएफ जनरेट होती है वो हमेशा कुछ इस तरह से होती है कि वो आपस में कुछ टकराती रहती है, लेकिन जो जो धीरे धीरे आगे जाती है त्यों त्यों ये अपने आप में एक यूनिफॉर्म शेप ले लेती है। तो हम जो भी स्टडी करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर वो इस यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए स्टडी करते हैं, जो कि हमें एक मिनिमम डिस्टेंस उस सोर्स से एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद मिलती है। इस मिनिमम डिस्टेंस के बाद जो हमें डिस्टेंस मिल रही है इसी पे हमारा काम होता है, ये हमारा वर्क फील्ड है, इसे हम बोलते हैं फार फील्ड जोन, इसे हम कहते हैं फार फील्ड जोन। ये नियर फील्ड जोन होता है, वहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव पे ही स्टडी करते हैं, और यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक डिस्टेंस के बाद ही हमें मिलती है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो भी तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो वो सारे फॉर्मूले जो आपने देखे हैं वो कहाँ पढ़े हैं, फार फील्ड जोन के लिए। तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स, जो कि एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद जब जनरेट होती है, जो यूनिफॉर्मली चलती है वो कहलाती है आपकी यूनिफॉर्म प्लेन वेव। लाइक आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें पानी के तालाब की बात करें,
तो उसमें जब हम एक पत्थर फेंकते हैं उसमें, जहाँ पत्थर जाके गिरता है वहाँ पर पानी काफ़ी एब्रप्टली ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसके बाद आप देखें कि उस पानी की वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर बाद जो वेव्स निकलती है वो जितनी डिस्टेंस पर आप दूर दूर जाएंगे वो एक सर्कुलर वेव्स है जो चारों ओर यूनिफॉर्मली जाती है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चारों ओर जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव। वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जस्ट वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे आपने उस स्टोन को फेंका है, उस पानी के अंदर जहाँ आपने फेंका है वहाँ पर जितना जो उसमें छाल आया है उस पानी की वजह से वहाँ पर एब्रप्टली तुम्हें वेव्स मिल रही है वो हम नहीं देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो वेव शेप ले रही है वो थी यूनिफॉर्म प्लेन वेव। भाई कहानी यहाँ पे भी होती है, जो हम सारी कहानी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं वो फार फील्ड में पढ़ते हैं, जो भी फॉर्मूले आपने देखे होंगे एंटीनास के अंदर भी या इवन यहाँ पर भी, वो सब यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए ही देखे जाते हैं। तो वो कहानी है यूनिफॉर्म प्लेन वेव की। ना होता है क्वेश्चन नेक्स्ट की व्हाट इज स्किन डेप्थ, वो पूछा जाता है कि स्किन डेप्थ क्या होती है, तो आप जानते हैं स्किन डेप्थ क्या होती है यहाँ पर, कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा चेंज हो रहा है, वेव के साथ प्रोपगेशन तो हो ही रहा है, तो प्रोपगेशन वाला टर्म तो उसमें आता ही है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोपगेशन वाला टर्म है वो इसके अंदर फेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो भी एटीन्यूट हो रहा होता है, और उसको हम एटेंशन कांस्टेंट से समझते हैं। जब हमने 11th 12th में जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके अंदर ये एटेंशन कांस्टेंट नहीं था, वहाँ पर जो आपको मिलता था फॉर्मूला वो ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलता था, जबकि अब की बार जब आपको मिलते हैं वो होते हैं ई नोट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, के एक्स बोल दो या हमें पे बीटा एक्स बोल दो, ये जो कंपोनेंट है वो आपके लिए इसके लिए जिम्मेदार है। ये मैंने जो लिख दिया वो है इंस्टेंटेनियस फॉर्म, जो आपने इसमें पहले जो लिख रखा था उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रखा था, लेकिन काम की बात ये है कि जो ये है वो एटेंशन कॉन्स्टेंट अब काम में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये एटेंशन कॉन्स्टेंट की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डीके हो रहा है। तो फिर हम जैसे कि नेटवर्क में देखते हैं एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे मेरे को इंटरेस्ट है वो है कि जब ये डिस्टेंस इतनी ले लूँ कि ये टोटल मिलके वैल्यू वन हो जाए, ई इनवर्स हो जाए, या यूँ बोलूँ कि 0.37 टाइम्स रहे इस मैग्नीट्यूड का, वो डिस्टेंस मुझे जाननी है, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्किन डेप्थ, जहाँ पे ये कितनी वैल्यू बचती है 37%। तो कब बचेगी सर, अगर वो एक्स को आप डेल्टा बोल रहे हो, स्किन डेप्थ डेल्टा रहता है, तो अल्फा इंटू डेल्टा क्या होना चाहिए, वन, तो डेल्टा क्या होता है, वन अपॉन अल्फा, यानी कि एटेंशन कांस्टेंट का इन्वर्सली इक्वल होता है स्किन डेप्थ, उस मीडियम के अंदर उसके एटेंशन कांस्टेंट पर डिपेंड करने वाला है स्किन डेप्थ। अगर एटेंशन कांस्टेंट जीरो है स्किन डेप्थ अनंत है, इसका मतलब वो आपको अंदर तक ले जाएगा, अनंत तक उसकी वैल्यू कभी डिके होगी ही नहीं। हम देख रहे हैं कि 37% तक डीके हो जाए वो डिस्टेंस आपका स्किन डेप्थ कहलाती है। अगर एटेंशन कांस्टेंट है ही नहीं तो सर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले जाओ, आपको ये 37% तक भी नहीं मिलेगा, ये डीके ही नहीं हो रहा एक्चुअली, तो वो अनंत तक को वहाँ मिलेगा। अगर आप बोलें कि यहाँ पर स्किन डेप्थ की एटेंशन कांस्टेंट की वैल्यू जो एटेंशन कांस्टेंट है वो अगर आपका जीरो है तो उस टाइम में स्किन डेप्थ अनंत है, अगर वो एटेंशन कांस्टेंट आपका इनफाइनाइट है यानी कि आपको पता है कि सामने वाला परफेक्ट वहाँ पर डायलेक्ट्रिक है, तो उस केस में स्किन डेप्थ कितनी होगी, सॉरी आपको अगर मैं बात करूँ कि अल्फा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो आपको पता है स्किन डेप्थ जीरो है, इसका मतलब ये है कि सर वो अंदर एंटर ही नहीं हो रहा। अल्फा आपका इनफाइनाइट कब होगा, अल्फा इनफाइनाइट तब होगा सर आपका जब आपके पास जो कंडक्टिविटी है वहाँ पे वो क्या हो, परफेक्ट कंडक्टर अगर आपका हो, सिग्मा की वैल्यू जो आपके वहाँ पर है वो अगर इनफाइनाइट है तो अल्फा आपके लिए वहाँ पे क्या देगा, इनफाइनाइट। अगर आपका अल्फा जो वहाँ पे अगर इनफाइनाइट हो गया तो आपको पता है स्किन डेप्थ क्या मिलेगी, जीरो। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि परफेक्ट एंटर में तो स्किन डेप्थ कितनी होती है, जीरो, इसका मतलब वो अंदर एंटर ही नहीं होता है। जबकि यही अगर आपकी कनेक्टिविटी जीरो होती, लॉसलेस मीडियम होता, अल्फा जीरो होता, तो उस केस के अंदर स्किन डेप्थ कितना मिलता आपको, अनंत, यानी कि वो आपको स्किन डेप्थ उसके अंदर यानी कि वो अंदर आप अनंत चले जाएँ उसके अंदर कुछ डिके ही नहीं होगा। तो ये कहानी स्किन डेप्थ की होती है। ना वो पूछता है इसमें कि एक्सरे कैसे वर्क करता है, इसी के अंदर कंटिन्यूटी में क्वेश्चन पूछता है कि स्किन डेप्थ अगर ऐसा है तो उसके ऊपर कहाँ आप उसको समझ सकते हैं किसी के थ्रू, तो जैसे एक्सरे ने पूछा कि एक्सरे कैसे काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक्सरे की कहानी पूछ रहा है, और ये कहानी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहानी स्किन डेप्थ से रिलेटेड पूछ रहा है एक्सरे को, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सरे कैसे काम करता है। देखिए आपको पता है कि अगर अच्छे खासी कनेक्टिविटी की हम बात करें तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है गुड कंडक्टर के अंदर अंडर रूट वन अपॉन पाई एफ म्यू सिग्मा। तो हम ये समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ रही है स्किन डेप्थ उतना ही कम हो रहा है। इस बात को अगर आपको समझना है तो आप एक्सरे से भी समझ सकते हैं
कि एक्सरे कैसे काम करता है, कुछ ऐसे ही काम करने वाला है। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। इवन मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप बार्क और इसरो के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी की रेंज जब आपने ट्वेल्थ पे पढ़ा ना, ट्वेल्थ लेवल पे एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स और साथ में जो विजिबल रेज है, इन सब का आपको जो ऑर्डर है वो सिक्वेंस पता होना चाहिए कि सर मुझे पता होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट के बाद क्या आता है, विजिबल रेज जो रीजन आता है उसके बाद मुझे पता है कि उसके बाद क्या आता है, इंफ्रा रेड आता है। तो ये जो सारा रेज है सारा आपको पता होना चाहिए। और इवन हो सके तो फ्रिक्वेंसी रेंज भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वेवगियर की फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या वेवलेंथ होती है, कितने एंगस्ट्रॉम से लेकर कितने एंगस्ट्रॉम तक होती है, आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं वापस अब बात करता हूँ तो एक्सरेज कैसे काम करता है तो आपको बताता हूँ फिर से कि हाई फ्रिक्वेंसी है तो उसका स्किन डेप्थ बहुत कम होती है। एक्सरे की स्किन डेप्थ बहुत कम होती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो स्किन डेप्थ इतनी कम होती है कि वो अंदर किसी भी ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाता है, वो ऑब्स्टेकल उस एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम खड़े होते हैं एक्सरे के सामने तो एक्सरे जब हमसे निकलती है तो जो हमारी बोन्स है वो एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसी इस तरह से रखी जाती है कि जो हमारी बोन्स है वो तो वो सारे एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो जो ब्लड वेसल्स है उससे वो पार हो जाती है। तो जो आपको मिलता है एक्सरे के अंदर जो आप देखते हैं बोन्स को, वो बोन्स जो वाइट कलर से जो नज़र आ रहा था एक्चुअल में जो ये पहले ऑलरेडी जो एक्सरे था वो पहले ही उस शेप में था, पूरा वाइट की तरह शेप में था। जहाँ पर एक्सरे गया था वो ब्लैक हो चुका है और जो बचा हुआ जिसने एब्जॉर्ब कर लिया बोन्स ने वहाँ पे वो वाइट बच जाता है, तो वो बोन्स आपको नजर आता है। यानी कि इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सरे में जाने से पहले आपसे कहा जाता है कि आपने जो भी चीज़ पहन रखी है उसको उतार दीजिए, जैसे कि कोई भी अगर आपने कोई लॉकेट वगैरह पहन रखा है उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकालते हैं, अगर लॉकेट आप पहन देते हैं तो जो एक्सरे है लॉकेट के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो इसका मतलब फिर वो जो लॉकेट है वो आपको उस बोन्स के अंदर नजर आएगा एंड देन डॉक्टर कहेगा कि अच्छा ओके तो अंदर कोई लॉकेट फंसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, आपको पता है। इसलिए आप सब कुछ आपको पता है, अगर आपने कभी अगर आपको एक्सपीरियंस रहा हो, आपने कभी देखा हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको सारी सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ती, कोई भी माला वगैरह कुछ भी पहन की सबको हटाइए आप वहाँ पे। इवन हो सके तो ये शर्ट के जैसे आपकी बटन से तो इसको भी आप शर्ट को भी रिमूव करना होता है और फिर आप एक्सरे सामने खड़े होते हैं तो आपको पता है कि जो एक्सरेज है वो आपके अंदर की बोन्स की सारी पिक्चर निकाल के दे देगी, कोई बोन्स वहाँ पे ब्रेक तो नहीं है या कुछ आपके बॉडी के अंदर कुछ चीज़ है तो नहीं वहाँ पे, उसको देखने का काम करता है। क्योंकि एक्सरे हर छोटी सी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ वो ब्लड वेसल से पार होता है, तो इसलिए आपको पता है वो बोन्स का काफ़ी अच्छा आपके पास एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये एक्सरे इस तरह से काम करता है, स्किन डेप्थ की कहानी पे ही टिका हुआ है ये इस तरह से। नाउ बात करते हैं कि हाउ माइक्रोवेव वर्क्स। तो देखिए अभी ईएमएफ की बात चल रही है तो माइक्रोवेव के बारे में पूछ लेता कभी कभी वो एग्जाम इसमें इंटरव्यू के अंदर कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। माइक्रोवेव वर्क्स मतलब माइक्रोवेव ओवन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। तो आपको पता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी अब इसकी स्टडी तारीख काफ़ी अच्छी खासी होती है। इसमें सबसे पहले हमको पता है कि माइक्रोवेव के अंदर जो आप यहाँ पे कोई भी पी सकते हैं, तो उस माइक्रोवेव जो होता है वो माइक्रोवेव अंदर ईएम वेव हाई फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव्स हाई फ्रिक्वेंसी की ईएम वेव यहाँ के अंदर जनरेट करता है। कैसे करता है? मैग्नेट्रॉन के थ्रू। मैग्नेट्रॉन क्या होता है सर? आप माइक्रोवेव में देखेंगे, माइक्रोवेव में आपने पढ़ा होगा इवन मैग्नेट्रॉन क्या होता है। मैग्नेट्रॉन से हम ईएम वेव जनरेट करते हैं, वहाँ पे एक ऐसा फिलामेंट होता है ये एक सेंटर से जुड़ा इस तरह से, जो ये मेन इसके अंदर जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन एंड जहाँ तक मुझे पता है कि एक तो टंगस्टन है जो इसके हीट को रखने के लिए इसको कहीं ब्रेक थ्रू ना हो हीट से उसके लिए इसमें टंगस्टन मिला होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो ये फ्लो करवाता है यहाँ पे उसके लिए भी एक मटेरियल होता है जो आपको देखना चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा एक्जैक्टली, लेकिन वो उससे बनता है मैग्नेट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन की एक पूरा कहते हैं ना काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, इसके अंदर एमिनेट करता है इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं इससे हर जगह से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के बाद यहाँ से टाइम के साथ वेरी करवाने के बाद यहाँ से एक ईएम वेव जनरेट कराई जाती है जो मैग्नेट्रॉन के थ्रू जनरेट कराई जाती है। पूरी कहानी मैग्नेट्रॉन की होती है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर ये क्वेश्चन फेमस है तो आपको फिर मैग्नेट्रॉन को भी थोड़ा पढ़ना चाहिए ना। ईएम वेव जनरेट हो जाने से क्या होने वाला है सर? तो जिसके अंदर जो भी आपने खाना अगर रख रखा है तो उसके अंदर आपको पता है कि हमेशा कुछ लिक्विड रहा होगा, उसके अंदर वाटर रहा होगा, H2O रहा होगा, तो वो जो वाटर कंटेंट होता है उसके अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो रहा होगा, तो आपको पता है कि जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट और एक नेगेटिव वाला पार्ट रहा होगा, तो एक डाइपोल की तरह काम कर रहे होंगे। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी टाइम वेरिंग इस तरह से वैल्यू अपनी हाई और लो रखने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेव्स की फॉर्मेट में वो आपके पास मिलेगा, तो ये इनको शेक करेगा, इनको वाइब्रेट कराएगा, कभी इसको रिपेल करेगा, कभी अटैक करेगा, कभी रिपेल करेगा, अटैक करेगा, तो ये जो डाइपोल से ही सब आपके यहाँ मूव करने ले जाएंगे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करने ले जाएंगे। तो जब इस तरह से जब वो मूव करते हैं वहाँ पे तो आपको पता है वहाँ पे एक हीट जनरेट कर देते हैं, वो एक हीट जनरेट कर देते हैं, इससे ये यहाँ गर्म हो जाता है खाना। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये
जब हम रखते हैं तो वहाँ पर उसमें लिक्विड कंटेनर होना चाहिए। अगर प्लास्टिक का है तो उसको वो हीट नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं कंटेंट, तो उसको वो वाइब्रेट नहीं करा पाएगा। लेकिन उसके अंदर जो खाना है, जिसमें भी जैसे आपने वहाँ पर कोई पिज्ज़ा रखा, कुछ भी रखा उसको अपने, तो उसको ठंडे को उसने उसमें जो कुछ लिक्विड था उसको उसने वाइब्रेट करके उसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये माइक्रोवेव काम करता है। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कहानी है, EMFs की कहानी है। और ये EMFs जनरेट कैसे कराया जाता है, वो कराया जाता है मैग्नेट्रॉन से। तो ये मैग्नेट्रॉन हम कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रोवेव के अंदर। तो स्पेशली वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैग्नेट्रॉन से बनता है, हो सकता है आपसे मैग्नेट्रॉन के बारे में पूछ ले। वो अंदर लगाने के बाद फिर उसमें EMF जनरेट कराने के बाद इस तरह से खाना को हम हीट करते हैं, खाने को गर्म करते हैं। ध्यान रहे हम कुछ मेटल चीज़ ना डालें, वरना मेटल चीज़ के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है, तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में रखते हैं, खाना देते हैं, तो जो खाने के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको गर्म करता है, लेकिन उस प्लास्टिक को नहीं करता है वो। सेम कहानी ये माइक्रोवेव उनकी जो है, ऐसे कुछ पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ EMF। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे टिका हुआ EMF का कोई एग्जाम्पल आप दीजिए। तो देखिए इसके अंदर हम देख सकते हैं कि EMF के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा है बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हम मिराज के बारे में बात कर सकते हैं। मिराज किस पे टिका हुआ है, TIR पे। कभी बार हंसते कुछ चीज़ें पूछ लेता है कि किस कोई एग्जाम्पल आप जो लगता है आपको, जैसे मिराज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको देना चाहिए, इसके लिए आप तैयार रहें। TIR जैसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने देखा है मिराज क्या होता है। आपने कहा कि अगर आप रोड पे कहीं भी आप जाते हैं तो आपको जब कार चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो आपको दिखता है कि रोड के वहाँ कुछ पानी नजर आता है। धूप के अंदर गर्मी में जब आप जाते हैं तो वहाँ कुछ रोड पे आपको पानी नजर आता है, जबकि वो होता भी नहीं है। जो जो गाड़ी आगे जाती रहती है वो पानी वहाँ से हटता रहता है और पीछे आता रहता है वो पानी। तो आपको पता है कि जो पानी का जो आपको आभास हो रहा है उसे कहते हैं मिराज, वो मिराज है। इवन रेगिस्तान में भी नजर आता है, रेगिस्तान में बहुत सी बार नजर आता है दूर से कि कोई ऐसा लगता है वहाँ पानी है, कोई पेड़ वगैरह वहाँ पानी नजर आते हैं, उसकी छाया नजर आती है, पेड़ की शेडो नजर आती है पानी के अंदर। बट जब पास आते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई पानी था ही नहीं, बस वो पेड़ वहीं लगा हुआ है। ये सब कहलाता है मिराज। क्यों होता है ये, TIR की वजह से। यहाँ पर TIR की वजह से, यहाँ पर कोई भी अगर एक कहता हूँ ऑब्स्टेकल है, कैसे होता है TIR, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आप जब इसको देख रहे हैं तो एक तो आप सीधी नज़र से देख रहे हैं तो आपको सब नज़र आ ही रहा है, साथ में ये जो रेज है यहाँ से इसने यहाँ निकाली, आपको पता है कि जब धूप पड़ रही है, सन रेज जब आ रही है तो यहाँ पे कुछ लेयर बनती है अलग अलग। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो नीचे वो काफ़ी वार्म होगा, हॉटर होगा, जबकि ऊपर थोड़ा ठंडा होगा। तो आपको पता है कि जो नीचे यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर बहुत गर्म होगा तो यहाँ पर हवाएं गर्म होगी और ये लेयर बनती जाएगी, ऊपर थोड़ी ठंडी होती जाएगी। तो अब जब यहाँ से देखें तो जब यहाँ से कोई रेज जाएगी, या इधर भी बात करें तो अलग अलग लेयर है, तो जब यहाँ से वेव जाती है तो ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त टकरा के कुछ ना कुछ अलग एंगल बना देगी। फिर ऐसे यहाँ जाते वक्त लास्ट में जब ये एंगल इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हमारे आँखों तक पहुँचता है, बिना इसमें रिफ्लेक्शन हुए सीधा रिफ्लेक्शन हुए आ रहा है। नहीं, कुछ रेज हमको ऐसे भी नज़र आ रही है यहाँ से, एक तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं उस पेड़ को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ट्री के लिए आपको पता है कि कुछ कभी TIRs होकर आता है। तो ये हमको पता है लाइट रेज डायरेक्ट सीधी जाती है, सीधा प्रोवाइड करती है, तो हमको लगता है कि यानी कि ये इसकी एक इमेज नीचे है, इस ट्री की इमेज नीचे है, ये सब नीचे भी नज़र आ रहा है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पानी की शेप नज़र आती है और उसका एक इमेज उस पानी में नज़र आता है। तो इससे हम कहते हैं मिराज। जो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिला इस ट्री का, अलग अलग हवा की लेयर के अंदर ही जो यहाँ पे एंगल बनता गया, मीडियम वन और मीडियम टू के बीच में जो ये एंगल है उससे कुछ अलग एंगल मिला। अब ये मिराज का बन सकता है, TIR का होता है, आपको पता है ये तभी हो सकता है जब आपको पता है कि जो वेव है इसकी दो ही कंडीशन है TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्या कि जब वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और साथ ही साथ जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो TIR आपको मिलेगा। तो आपको पता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, कोल्ड है तो वो डेंसर है, नीचे हॉट है तो रेयर है। तो आपको पता है कि यानी कि यहाँ पे जो एंगल है यहाँ से जा रहा है तो ये एंगल बड़ा ही होगा हमेशा। फिर ये जो एंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये TIR बन चुका है और TIR के ऊपर टिका होता है मिराज। तो ऐसे ये रिफ्लेक्शन वेव से पूछ सकता है। तो ये कहानी आपके लिए एक मिराज का एग्जांपल हो चुका है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, डस TEM वेव एग्जिस्ट इन वेव गाइड। TEM वेव क्या वेव गाइड में एग्जिस्ट कर सकती है? देखिए TEM वेव वहाँ ही एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे कम से कम दो कनेक्टर तो हो, सिंगल कनेक्टर वाली वेवगाइड में एग्जिस्ट नहीं करती है। जो आप पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में गेट के लिए, जो हमारे लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है या इवन सर्कुलर वेवगाइड भी अगर आप देखते हैं ES के लिए, तो वहाँ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड के अंदर वो सिंगल कनेक्टर से बनती है, तो उसमें TEM वेव नहीं होती है। TEM वेव किस में नहीं होती है? रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड के अंदर नहीं होती है, इन दोनों में नहीं होती है। लेकिन ये बोला किसी भी वेवगाइड में हो सकती है क्या?
हाँ हो सकती है, इवन पैरेलल प्लेट वेवगाइड ले लीजिए, बहुत सारे वेवगाइड है आपके पास। इवन हम बात करें पैरेलल प्लेट वेवगाइड के अंदर, तो यहाँ पे दो कनेक्टर होते हैं, ये कनेक्टर अलग होता है, ये कनेक्टर अलग होता है, तो उसके अंदर TEM वेव भी होती है। फिर से बता दूँ कि TEM वेव बनने के लिए कम से कम दो कनेक्टर होना जरूरी है, सिंगल कनेक्टर वाली सर्फेस पर नहीं बनेगी। रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपने देखा होगा सिंगल कनेक्टर से बनता है, उसमें नहीं होगी TEM वेव। सर्कुलर वेवगाइड जो आपने देखा होगा सिंगल कनेक्टर से बनती है, उसमें नहीं होती है TEM वेव, उसमें सिर्फ TE and TM मोड ही एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा TE and TM वेव्स ही बनती हैं वहाँ पर, TEM नहीं बनती। जबकि आपने कहा कोपल जो कोएक्सियल केबल होती है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देखते हैं, कोएक्सियल केबल आपसे वेवगाइड की तरह भी काम करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को अगर ले जा रही है तो फिर वो भी आपके लिए क्या काम, उसमें भी क्या होती है TEM वेव। कोएक्सियल केबल क्या होती है, दो अलग अलग कनेक्टर से बनती है, ऑप्टिकल फाइबर हुआ, तक पता है कि वहाँ पर TEM वेव होती है। तक बता रहा हूँ कि जो दो अलग अलग अगर आपके पास है मीडियम तो वहाँ पर TEM वेव आ सकती है, तो ये TEM वेव है। इवन अगर आप बात करें कि माइक्रोस्ट्रिप के लिए तो उसमें बोलती है क्वासी TEM होता है, जो पूरी तरह से TEM तो नहीं होता बट जिसके अंदर होता है पार्शली जो TEM वेव होता है उसको हम बोलते हैं क्वासी TEM, जिसके डिटेल में जाने जाता पर माइक्रोस्ट्रिप लाइन के अंदर भी होता है। तो यानी कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ TEM वेव होती है, केवल रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में उसी में नहीं होती है, बाकी इन जनरल दूसरी वेवगाइड्स बहुत सारे टाइप की वेवगाइड होती है, पैरेलल प्लेट, माइक्रोस्ट्रिप्स, ऑप्टिकल फाइबर भी अपने आप में वेवगाइड है। तो आपको पता है इन सब के अंदर आपकी एग्जिस्ट कर सकती है TEM वेव, जहाँ पर भी दो कनेक्टर होंगे वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एवनेसेंट मोड, वेवगाइड के अंदर इवनेसेंट मोड क्या होता है। बहुत सिंपल सा, वेवगाइड के अंदर जाने के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वेव की, वो फ्रिक्वेंसी उस वेवगाइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन पे। डायमेंशन यानी ए एंड बी, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात करूँ तो मैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर जो ये ए और बी है उन पे डिपेंड करता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वेव के प्रोपेगेशन के लिए, फॉर वेव के प्रोपेगेशन के लिए। लेकिन अगर ये इससे है तो वेव प्रोपेगेट ही नहीं करती है, ऐसे मोड्स को हम बोलते हैं इवेनेसेंट मोड। ऐसा कोई मोड अगर आपको लगता है तो वो कहलाता है इवेनेसेंट मोड, जो कि वास्तव में वहाँ एग्जिस्ट करेगा नहीं। लाइक अगर हम बात करें यहाँ TM 10, TM 01, ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो भी अंदर जाती ही नहीं है, तो ऐसा कुछ मोड होता ही नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इवेनेसेंट मोड। यानी कि ऐसे मोड जहाँ पे वेव अंदर जाएगी नहीं, या हम बात करें कि ऐसी टाइम जहाँ पर वेव्स जो आपके वेवगाइड के अंदर एंटर नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इवेनेसेंट मोड की कंडीशंस। तो ये है इवेनेसेंट मोड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आज आपको बताना चाहिए कि इवेनेसेंट मोड के अंदर केवल और केवल अटेंशन कॉन्स्टेंट होता है, वहाँ केवल अटेंशन होगा। गामा इक्वल्स टू आपको पता है यहाँ पर अल्फा प्लस जे बीटा होता है। अगर आपका इसके अंदर जो अंडर रूट देखते हैं गामा का, जो अंडर रूट में जो वैल्यू आती है, दो चीज़ों का माइनस, पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ मैं, m π/a² प्लस n π/b² तो आपको बता रहा हूँ फिर से कि यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब ये वैल्यू बड़ी होती है तो ये नेगेटिव यानी कि जे बीटा वाला पार्ट देगा, या तो ये आइदर जे बीटा होगा, इसे हम बोलते हैं प्रोपेगेशन हो रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ओमेगा स्क्वायर म्यू बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर m π/a² प्लस n π/b² की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल क्वांटिटी आएगी, कुछ प्लस पॉजिटिव वाला बड़ा है माइनस नेगेटिव वाले से, तो रियल क्वांटिटी आएगी, तो सिर्फ अल्फा ही आएगा। तो गामा आइदर अल्फा होता है या फिर जे बीटा होता है, ये है तो प्रोपेगेशन हो रहा है, ये है तो एवनेसेंट मोड मिल रहा है आपको, सिर्फ एटीन्यूड हो रही वेव अंदर प्रोपेगेट नहीं हो रही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड डिजेनरेट मोड, डोमिनेंट मोड और डिजेनरेट मोड में क्या डिफरेंस है। देखिए डोमिनेंट मोड का मतलब होता है कि ऐसे मोड वेवगाइड के अंदर जो कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी रखते हैं, जिनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिनिमम हो, ऐसे मोड को हम बोलते हैं डोमिनेंट मोड। आपको पता है कि अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, तो वहाँ पे अगर ए बी की वैल्यू, ए यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लेंथ होती है उसकी वैल्यू, अगर वर्टिकल जो लेंथ होती है बी उससे बड़ी है, तो TE10 आपको पता है कि डोमिनेंट मोड होता है। अगर बी की वैल्यू बड़ी हो तो TE01 आपका डोमिनेंट मोड हो सकता है, कि कभी ऐसा काम में नहीं लिया, TE10 ही हमारे लिए डोमिनेंट मोड होता है वहाँ पे, क्योंकि ए की वैल्यू ही बड़ी होती है। पर हम बोलते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जिस मोड पे हमको मिलती है वो कहलाती है आपके लिए डोमिनेंट मोड। मैग्नेटिक फील्ड में TM11 होता है वहाँ पे। लेकिन डीजेनरेट मोड क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है जहाँ पे आपके पास दो अलग अलग मोड की फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम आती है, तो ये दोनों मोड कहलाते हैं डीजेनरेट मोड। दो अलग अलग मोड जिनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आती है सेम, तो इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट मोड। देखिए सारे के सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे पूछता है डोमिनेंट डीजेनरेट मोड से आप क्या समझते हैं, अच्छा मुझे बताइए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी आप क्या समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन यही है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। आपने देखा होगा वेवगाइड की जो कहानी होती है इसके अंदर दो अलग अलग वेलोसिटी में मिलती है, एक होती है फेज वेलोसिटी एंड एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो जा रही होती है ग्रुप वेलोसिटी के साथ, जबकि जो उसके जो फेज वेलोसिटी है उसमें कोई मेन रियल इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही होती है, उसमें जो वेव है उसका जिस तरह से फेज चेंज हो रहा है जिस स्पीड के साथ, उसे हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। ये टोटली डिपेंड करता है थीटा एंगल पे। तो जो वेलोसिटी वेव की है
सिंपल अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये वेवगाइड नहीं होती, जहाँ पे आपको पता है वेवगाइड की कहानी क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन होके रिफ्लेक्ट होके जा रही है वेव्स आगे। तो अगर हम बात करें कि अगर ये वेव्स की स्पीड, सिंपल स्पीड बोलता, अगर ये वेवगाइड नहीं होती तो जो स्पीड होती वी, उसमें वी अपॉन साइन थीटा कर देता हूँ, तो ये जो स्पीड मुझे मिल रही है फेज वेलोसिटी है। इसको डिराइव करते हैं हम, तो वी पी अपॉन साइन थीटा जो मेरे को मिल रही है वो स्पीड, तो जिस स्पीड से ये फेज चेंज कर रहा है, लेकिन जो मैं बात करता हूँ वी इंटू साइन थीटा जो मुझे मिल रहा है वो होता है ग्रुप वेलोसिटी। इस ये ग्रुप वेलोसिटी होती है। और हम बात करें वी पी इंटू वी जी, तो ये हमेशा वी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर अंदर एयर है तो इस वी की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होगी। तो यानी कि फेज वेलोसिटी सी अपॉन साइन थीटा होता है और वी जी सी इंटू साइन थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू भी हम जब डिराइव करते हैं तो बताया कि अंडर रूट वन माइनस एफ सी बाई एफ का स्क्वायर होता है। पर काम की बात ये है और वो ये आ रही है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी वैल्यू तेज होती है फेज वेलोसिटी की, जबकि ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू उससे उतनी कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट से तेज कभी नहीं हो सकती, इवन उसके बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से तेज होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन उस स्पीड से नहीं चल रही है, इसलिए हमारे काम की स्पीड नहीं है। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ वैसी मिल जाए जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में या उससे ज़्यादा तेज चल रहा हो। इवन हमने कहा कि गॉड पार्टिकल पे हमने काम करने की कोशिश की, हमने इसकी स्पीड के ऊपर काम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई चीज़ रियल में अब तक मिलना मुश्किल मिल नहीं पाई है। बहुत मुश्किल है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में चला जाए। अगर ऐसा हो पाया तो हमें पता है कि हम टाइम के आगे जाना, टाइम के पीछे जाना, जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन का, उस पर हम कुछ काम कर पाएँ। बट ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो यहाँ पर भी नहीं होता ऐसा। जो फेज वेलोसिटी है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप वेलोसिटी में, और वो जो जा रहा है वो उतना ही धीमे चल रहा है। तो ये दो इसमें स्पीड अलग अलग होती है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ये अलग अलग स्पीड का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ जो स्पीड को चेंज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। कभी पूछ लेता है डिस्पर्शन क्या होता है, तो डिस्पर्शन इसे ही बोलते हैं कि स्पीड अगर आपकी अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग हो रही है आपकी, तो अलग अलग जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन है यहाँ पे, इसलिए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दो अलग अलग वेलोसिटी यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग फेज वेलोसिटी, जो एक स्पीड आ रही है वो फेज वेलोसिटी होती है और जो दूसरी आ रही है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है। अगर एक कांस्टेंट स्पीड आती है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, तो उसका मतलब उस टाइम में डिस्पर्शन नहीं है। तो उस टाइम हम बोलते हैं वहाँ पे स्पेशली कि हमें वहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन, स्पेशली फेज डिस्टॉर्शन हमें नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। हम देखेंगे अभी कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनानी है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो आपको पता है कि वहाँ पर दो टाइप के डिस्टॉर्शन होते हैं। एक आपका होता है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, एक होता है वहाँ पे फेज डिस्टॉर्शन। अगर आप फेज डिस्टॉर्शन हटा देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि वहाँ पर जो फेज वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो हम उससे बोलते हैं कि वहाँ पर एक ही स्पीड से अगर चल रही तो वहाँ डिस्पर्शन नहीं है। तो ये डिस्पर्सिव मीडिया भी पूछता है कि वेवगाइड में डिस्पर्सिव मीडिया को एक्सप्लेन करिए, तो कभी इस पर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो वो पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए आपके। मैं बस यहाँ पे इसी के बहाने आपके माइंड के द्वार खोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ के आपको वहाँ जाना चाहिए अगर आपने ईएमएफटी को एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। तो डिफरेंस बिटवीन वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर डिफरेंस क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब चीज़ की वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंस क्या आता है। कि ट्रांसमिशन लाइन जो आपके लिए एक लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी से लेके एक हाई फ्रिक्वेंसी तक काम में ली जा सकती है, जबकि वेवगाइड एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो कहते हैं कि एक हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब फिर से समझिए, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब भी एक रेंज है। आपको पता है कि हम बात करें कि गीगा हर्ट्ज में चले जाते हैं, तो गीगा हर्ट्ज के अंदर आप वेवगाइड को बहुत आसानी से यूज में ले सकते हैं। एक मेगा हर्ट्ज के बाद से, एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी के बाद से आप अगर हाई फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो वो वेवगाइड वहाँ पे काम में आएगी, उससे लो फ्रिक्वेंसी के अंदर वेवगाइड काम ही नहीं करेगी, उसमें वेव जाएगी ही नहीं। तो वेव के एंटर होने के लिए यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी का हाई होना बहुत जरूरी है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर आपने फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हाई ली तो वहाँ पर लॉसेज हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लॉसेज आपको मिलेंगे, तो फिर वो लॉसेज की वजह से ट्रांसमिशन लाइन को यूज में लेना वहाँ बेकार हो जाता है। तो इसलिए वेवगाइड हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लो लेवल पे या मीडियम फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं यहाँ पर। तो वेवगाइड एज ए हाई पास फिल्टर भी काम कर सकता है और ट्रांसमिशन लाइन लो पास फिल्टर काम कर सकता है, क्योंकि आप एक हाई फ्रिक्वेंसी बाद उसको यूज में ले नहीं रहे, लो फ्रिक्वेंसी यूज में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को यूज में ले रहे हैं। तो ये अलग अलग फिल्टर के काम करते हैं। साथ ही साथ होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कम से कम दो वायर होने चाहिए, जैसे आपने देखा कोएक्सियल केबल, पैरेलल वायर लाइंस जो आपने देखी है, पैरेलल प्लेट जो लिखी है, ये भी ट्रांसमिशन लाइन के तीन टाइप के हो सकते हैं जो हम पढ़ते हैं। जबकि वेवगाइड जो आप पढ़ते हैं स्पेशली यहाँ पे हमारे सिलेबस में, वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, वो सिंगल रेक्टर होती है, तो उसमें टीईएम नहीं होता है, जबकि इन दोनों में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर टीईएम वेव भी होती है यहाँ पे, क्योंकि वेवगाइड में टीईएम वेव नहीं होती है। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लॉसलेस एंड डिस्टॉर्शनलेस लाइन। जो लाइन होती है वो लॉसलेस और डिस्टॉर्शनलेस लाइन दो अलग अलग क्या होती है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन जो लॉसलेस होती है वो कॉपी पेन पे अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि लॉसलेस लाइन हमको मिले, पर रियल में ऐसा कुछ होती नहीं है। लॉसलेस लाइन क्या होती है, लॉसलेस लाइन आपको पता है कि इसके अंदर कोई लॉस ना हो,
जहाँ पे ऐसा कब हो सकता है जब उसके अंदर जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है अल्फा वो जीरो हो. अब ऐसा कब होगा, अल्फा इक्वल टू जीरो होने के लिए आपने देखा इसका डेरिवेशन कि इसमें रेजिस्टेंस जो पार्ट है, रेजिस्टिव पार्ट है, वो जीरो होना चाहिए. जो बीच में कनेक्टर है जी, वो भी जीरो होना चाहिए. यानी कि मैं ये बोलूँ कि जो मेरे ट्रांसमिशन लाइन का जो मीडियम है, वो मीडियम तुम्हारे लिए जो उसका मीडियम का जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जीरो. जबकि जो उसका कनेक्टर है जिसपे जा रहा है ये वेव्स, जो वोल्टेज वेव्स, करंट वेव जो जा रही है, वो जो आपका उसकी कनेक्टिविटी है वो अनंत होनी चाहिए. वहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए और जब मीडियम के जो कनेक्टेंस है वो जीरो होना चाहिए. अगर ऐसा है तो वो लॉसलेस, उसमें कुछ लॉस ही नहीं होगा. ऑब्वियसली हमको पता है कि कनेक्टर के अंदर वेव्स पूरी जाएगी, अगर इनफाइनाइट उसके अंदर कनेक्टिविटी है तो सारी वेव्स के थ्रू जाएगी और बीच में कुछ भी लॉस नहीं होगा. अगर उसमें कनेक्टिविटी होगी बीच में हवा में तो वहाँ कुछ ना कुछ लॉस होगा. अगर वहाँ पर कनेक्टिविटी जीरो कर रहे हो तो नहीं लॉसलेस. ऐसे मीडियम अगर आपका कनेक्टिविटी जीरो रखता है लॉसलेस. अगर कनेक्टर जो कनेक्टर जिसके थ्रू जा रहा है उसकी अगर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट रखते हो तो लॉसलेस. तो दोनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए. जो कनेक्टिविटी है इसकी वो इनफाइनाइट हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो जीरो होना चाहिए. और जो बीच में जो मीडियम है उसका जो जी है कनेक्टेंस, जो मीडियम के बीच में जो कनेक्टेंस होता है वो जीरो होना चाहिए. अगर पता है जी और सी मीडियम के बीच में होता है और आर और एल सीरीज में लगा होता है इसके अंदर. ये सारी कहानी छोटी छोटी आप जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में. तो आर जीरो और जी जीरो ये दोनों आपको पता होना चाहिए. तो यानी कि एटेंशन कॉन्स्टेंट जीरो है तो लॉसलेस लाइन है. बट रियल में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली बना नहीं पाते हैं. लॉसलेस लाइन चाहते हैं हम बनाए ना, ताकि सारे फॉर्मूले आपके काम आए, फेज वेलोसिटी वी पी इक्वल टू 1/√LC सब कुछ आपके काम आए. बट एक्चुअली ऐसा हमको मिलता नहीं. तो हम काम करते हैं डिस्टॉर्शन लेस लाइन से. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हेवी साइड ने ये प्रूव किया था कि अगर आप लॉसलेस लाइन नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, आप डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाए उससे भी काम हो जाएगा. मतलब कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है हमको, मेन प्रॉब्लम होती है लाइन के अंदर कि वो डिस्टॉर्शन पैदा कर रही है. और उसको हटाने के लिए दो ही तरीके उसने बताए. और कौन कौन से दो तरीके होते हैं उसने बोला कि आप, आपको पता है कि डिस्टॉर्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन एंड एक फेज डिस्टॉर्शन. फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन हटा सकते हैं आप अगर आप एटेन्यूएशन कांस्टेंट, मैं नहीं कह रहा जीरो रखें, जीरो रख देंगे तो बहुत अच्छी बात है लॉसलेस हो जाएगा, पर आप जीरो ना रखें तो भी कम से कम ये फ्रिक्वेंसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए. समझ रहे हैं आप, ये ओमेगा का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए. मतलब ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करना चाहिए. और फेज डिस्टॉर्शन को कैसे आप हटा सकते हैं, अगर आपका बीटा फ्रिक्वेंसी के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, बीटा इक्वल टू के ओमेगा है, फेज कॉन्स्टेंट जो आपका वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के साथ, तो इसका मतलब वी पी जो आपका हो जाएगा, आपको पता है ओमेगा बाई बीटा, तो वो आपका एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा. तो आपको पता है कि वो कॉन्स्टेंट कुछ भी चीज़ को मिल जाएगी तो फेज डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा, या यूँ बोलो कि फेज डिस्टॉर्शन नहीं होगा वहाँ पे. तो बीटा तो ओमेगा के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और अल्फा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करना चाहिए. ऐसे केस में ना फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन मिलेगा ना फेज डिस्टॉर्शन मिलेगा, अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो. और ऐसे के लिए आप मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं भी नहीं कर रहा है, काफ़ी बड़ा हो जाता है. तो फाइनल जो ये दोनों चीज़ों को फॉलो करता है वो कंडीशन आती है RC इक्वल टू LG. तो RC इक्वल टू LG आपके लिए डिस्टॉर्शन लेस लाइन की कंडीशन है. तो कुल मिला के कह सकता हूँ मैं कि अपने आप में हर लॉसलेस लाइन भी डिस्टॉर्शन लेस लाइन है, बट नॉट वाइस वर्सा. हर लॉसलेस लाइन भी डिस्टॉर्शनलेस लाइन है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपको पता है इसमें भी अल्फा कांस्टेंट ही है, जीरो है तो कांस्टेंट ही है, और बीटा इक्वल टू के ओमेगा ही है, यही होता है वहाँ पे भी लॉसलेस के अंदर, अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू ओमेगा √LC. तो आपको पता है कि यानी कि इस तरह से कहानी लॉसलेस लाइन से फायदा. अब लॉसलेस लाइन के अंदर आपको पता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ फोन टेलीफोन लाइन्स जो है, वो टेलीफोन लाइन्स अगर लॉसलेस ही है तो उसका मतलब जो मेरी वॉइस है उसका वॉल्यूम भी कम नहीं होगा. लेकिन जब मैं बात करूँ डिस्टॉर्शनलेस लाइन की तो वॉल्यूम जो मेरे वॉइस है उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी. मुझे क्वालिटी से फर्क पड़ता है, वॉल्यूम से नहीं स्पेशली. इसलिए मैं डिस्टॉर्शनलेस लाइन बनाता हूँ. तो इसलिए मैं RC इक्वल टू L/G को फॉलो करता हूँ. कभी कभी क्वेश्चन में डिटेलिंग चले जाते हैं कि डिस्टॉर्शन लाइन जो प्रैक्टिकल है वो कैसे बनाते होंगे, तो हमको कहता हूँ कि स्पेशली इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि R/G इक्वल टू L/C को होना चाहिए डिस्टॉर्शनलेस लाइन का. अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो लाइंस बनाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, जो हम देखते हैं, आप भी देखते हो कि अपने घर के बाहर भी जा रही होती है, या इवन अगर आपने देखा हाईवे पे तो बड़े बड़े जो आपने उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े जो टावर लगा के आपने देखा होगा, जो ट्रांसमिशन लाइंस बड़े हाई वोल्टेज की जो जा रही होती है, उन सब के अंदर भी अगर हम देखें तो इसको डिस्टॉर्शनलेस बनाने का तरीका होता है कि R/G इक्वल टू L/C मेंटेन रखना होता है. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो जो आप डिस्टेंस में जाते हो त्यों त्यों इस R/G की वैल्यू हमेशा, या मैं ये बोलूँ कि L की वैल्यू R/L इक्वल्स टू G/C होना चाहिए. तो मैं बोल सकता हूँ कि R/L की वैल्यू ज्यों ज्यों मैं आगे जाता हूँ त्यों त्यों ये हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है. R/L की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है. अब मैं चाहता हूँ कि इसको हमेशा हर थोड़ी डिस्टेंस पे कम कर दूँ ताकि ये लगभग बराबर ही रहे डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाने के लिए. तो R/L की वैल्यू बढ़े ना, इसके लिए मैं या तो इस R को कम कर दूँ या इस L को बढ़ा दूँ. अब R को कम करने का मतलब इतना आसान है, रेजिस्टेंस कम करने का मतलब है कि वो जो वायर है या तो उसकी विड्थ बढ़ा दीजिए. आपको पता है रेजिस्टेंस R क्या होता है, रो L/A
क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, फिर तो आपको आर कम करना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दीजिए, इसको मोटा कर दीजिए, तो इकोनॉमिकल रहेगा नहीं, मोटे वायर लगाने वाले आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको टावर जो है बहुत पास पास में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो उसका वेट बढ़ेगा वो वेट झेल नहीं पाएंगे, जितने डिस्टेंस पर अपने जो टावर लगा के या जो बीच में अपने पोल्स लगा के वो पोल्स झेल नहीं पाएंगे उस वेट को, तो आपको बहुत ज़्यादा पोल्स लगाने पड़ेंगे, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, तो रेजिस्टेंस को कम करना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि हम इंडक्टेंस को बढ़ाते हैं ताकि ये लगभग बराबर हो जाए, जो वैल्यू बढ़ रही है एल को बढ़ाने से कम हो जाएगी, वापस वैल्यू और फिर से बराबर हो जाएगी जी वाई सी के, तो हम एल को बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी आप पोल्स लगाते हैं वहाँ पर हम इंडक्टेंस लगा रखे होते हैं, अगर आपने देखे बड़े बड़े वो भी तो वहाँ पे हमने देखा कि बड़े बड़े इंडक्टर लगे होते हैं, अगर आपने देखे बड़े बड़े से अपने वो बड़े से टावर जो अपने हाईवे पे देखेंगे उन पे बहुत बड़े वो इंडक्टेंस लगा रखे होते हैं ताकि नेट इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा सके। इवन अगर आपने घर के बाहर भी देखा है अपने जो सिंपल पोल लगे होते हैं, पोल के भी देखना आपने इस तरह की कुछ वायरिंग कर रखी होती है जो कि आपके इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सके। तो ये आपकी कहानी होती है जो लॉसलेस और डिस्टॉर्शनलेस लाइन की कहानी, जिसमें अगर वो डिटेल में जाता है तो मैं आपको समझा दिया डिटेल में। नाउ देखते हैं व्हाई वी डोंट यूज ट्रांसमिशन लाइन इन आवर होम, हमारे घरों में हम ट्रांसमिशन लाइन यूज में क्यों नहीं लेते हैं। देखिए ट्रांसमिशन लाइन को हम हमारे घरों में यूज में ले नहीं सकते, ऐसा नहीं है क्योंकि इसको लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा तो ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन हमेशा फास्ट होती है। कोई मुझे बोले कि सिंपल कनेक्टर लाइन है, एल्यूमिनियम की वायर है, उसके अंदर अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ, यहाँ से एल्यूमिनियम वायर लगा है मैंने, यहाँ पे कॉपर वायर लगा है मैंने, तो मैं जब लाइट ऑन करूँगा तो मुझे जो लाइट ऑन होने की जो स्पीड है वो जब मैं ट्रांसमिशन लाइन लगाता हूँ तो उसकी जो स्पीड है उसमें किस में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कौन ज़्यादा फास्ट ट्रांसफर देगा, कौन जल्दी लाइट जलाएगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन लाइन थोड़ा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सिंपल जो आपके कंडक्टर है, कॉपर है, जो भी एल्यूमिनियम है, उस कंडक्टर के अंदर जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दौड़ते हैं, जबकि आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पर इस तरह से ये फिलहाल फिनोमेना लगता है, वहाँ पे वेव फिनोमेना लगता है, वहाँ पर जो वेव्स है वोल्टेज और करंट की वेव्स की फॉर्म में जाती है, और वो वेव्स की फॉर्म में आपको पता है वेव की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, तो उतनी तेज स्पीड से वो चलती है, तो वेव्स जितना फास्ट जा सकती है उतने फास्ट तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है करंट कैसे फ्लो होती है वहाँ पे एन क्यू वी डी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड मैक्सिमम 300 के आसपास हो सकती है, 300-400 कहाँ से कंपैरिजन का आप कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फास्ट तो ट्रांसमिशन लाइन होती है, बट उससे जो फर्क पड़ने वाला है वो मेरे आईज को पता ही नहीं चलता। आपको पता है जब मैं लाइट ऑन करता हूँ तो मुझे यहाँ भी पता नहीं चलता, जैसे मैं लाइट ऑन करता हूँ तो जो अगर ये नैनो सेकंड मिली सेकंड भी अगर ले रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इवन मैं तो कह रहा हूँ हाफ सेकंड भी ले रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक तो मेरे को लाइट मिल जाती है, लेकिन उस मिली सेकंड में कम ज़्यादा करने के लिए मैं ट्रांसमिशन लाइन को यूज में ले नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ट्रांसमिशन लाइन वहीं लगा सकते हैं या वहीं लगानी चाहिए जहाँ पे एल बाई लेमडा की वैल्यू जो आपकी लेंथ है वो कंपेरेबल हो 1K, एल बाई लेमडा की वैल्यू, यानी कि लेंथ जो है वेवलेंथ की कंपेरेबल तो हो। अब वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो हमारे घरों में फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पे काम करता है, हमारे इंडिया में जो सोर्स है वो 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हमारे घर पे आती है लाइट 50 हर्ट्ज पे, तो यानी कि जो वेवलेंथ बन रहा है वो कितनी बन रही C बाई एफ 3×10^8/50, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है 6×10^6 मीटर के आसपास, इतनी बड़ी वेवलेंथ मेरे को मिल रही है, यानी कि इतनी बड़ी लेंथ होनी चाहिए मेरे घर जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लगा रहा हूँ, तो आपको पता है 6×10^6 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर का मेरा घर नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है 6000 किलोमीटर, मतलब मैं यहाँ से लगाऊँ कोई बहुत दूर जाकर, ये तो मैं आइडल मान रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट अगर थोड़ा कम भी ले लूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको पता है मैं इंडिया के इस कोने से दूसरे कोने तक लगाए जा रहा हूँ तो वहाँ पे काम में आ रखता है, या इतना भी नहीं जाऊँ तो मैं कम से कम एक शहर से दूसरे शहर में, अगर यहाँ लगाना है तो मैं दूसरे शहर के अंदर अगर मैं लाइट दिख रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ट्रांसमिशन लाइन लगा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने घर के अंदर मेरे लिए ट्रांसमिशन लाइन का कोई यूज़ नहीं है, जब तक ये आपस में कंपेरेबल ना हो तो मेरे लिए ट्रांसमिशन लाइन का कोई यूज़ है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती तब यहाँ काम में आती है, अदरवाइज वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता। आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन की कुछ कंपैरिजन की यहाँ पे जो लोड है, अगर जो ZL है यहाँ ZO है, तो अगर ये लेंथ बहुत ज़्यादा है तो जो इनपुट इम्पिडेंस है ZIN उसको मैं लगभग किसके बराबर ले लेता हूँ, ZO के बराबर, जो कि मैं चाहता हूँ, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है ट्रांसमिशन लाइन की उसके बराबर ही मेरे को इनपुट इम्पिडेंस मिले, कहीं पे भी मैं इम्पिडेंस पूछूं कितना आया टोटल तो वो लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, जेड नोट के बराबर आ रहा हो, लेकिन अगर ये लेंथ बहुत छोटी है तो जेड इन की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है, ZL ही बराबर होती है, यानी ट्रांसमिशन लाइन तो यूज में नहीं आई, फिर मैंने क्यों लगाई ट्रांसमिशन लाइन, जब लोड के बराबर ही इनपुट इम्पिडेंस आ रहा है तो क्यों लगाया मैंने ट्रांसमिशन लाइन, इसका तो कोई काम में नहीं आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कोई काम में नहीं आया, इसलिए जितनी ज़्यादा लेंथ बड़ी होगी उतना ही फायदा है, तो इसलिए ट्रांसमिशन लाइन हमारे घरों में यूज में नहीं लगाते हैं, हमारे घरों में क्या लेते हैं हम कॉपर वायर्स, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड में जो फर्क आता है वो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, प्रैक्टिकल नहीं है वो। नाउ आपको पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है,
स्क्रीन पर आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए वीडियोस थोड़ा बड़ा हो सकता है सबके बारे में डिटेल में बात करते वक्त, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैं आपको ही हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत काम के और ये क्वेश्चंस बहुत काम में आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, मुझसे पूछा जाता है क्वेश्चन है। आपको पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर हम क्यों बोलते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पर हम काम में लेते हैं वहाँ पर स्किन इफेक्ट आता है। तो आप बस इसको गूगल करिए, आप समझिए या मुझे कमेंट करिए, आप कुछ चीज़ें मैं आपके लिए डालता हूँ कि आप देखिए पता लगाइए कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में डिटेलिंग करना जरूरी है। मुझे बहुत सारी बात करनी पर ये वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता मैं, ताकि आपके लिए काफ़ी इफेक्टिवली काम आ जाए। वैसे आपको हिंट देता हूँ, जो कॉपर वायर है अगर आप उसकी हाई फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे होते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो करंट है वो अलग अलग तरीके से फ्लो हो रही होती है। करंट की जो वैल्यू होती है, आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट देता हूँ कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्लो हो रही होगी। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा कहाँ होता है कम कहाँ होता है, जितना कम ये वेव्स है इतनी सारी करंट डेंसिटी जा रही है, तो जो छोटा सा इस जगह जो करंट जा रही है उसको एरिया बहुत कम क्रॉस करना पड़ रहा है, कम क्रॉस एरिया के अंदर जो करंट जा रही है। तो पता है जो एरिया कम है वहाँ पे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर आपको पता है कि क्रॉस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यानी जो करंट जा रही है वो कम जा रही है, और जो बाकी करंट है वो कहाँ जा रही है, बाहर सरफेस पे ज़्यादा जा रही है, तो सरफेस के थ्रू करंट ज़्यादा जा रही है और अंदर की तरफ कम जा रही है। तो अगर अब आपको पता है कि जो जो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं, जहाँ जो आप इसके करंट की वैल्यू बढ़ाने वाले हैं, क्यों तो यहाँ पर इसकी स्किन जो है इसकी स्किन से निकलने वाली करंट ज़्यादा फ्लो हो रही होगी और वो इसके सरफेस को बाहर निकालने जाती है, सरफेस से बाहर निकल जाती है। तो जो ये इफेक्ट आ रहा है ये इफेक्ट कहलाने वाला है स्किन इफेक्ट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे डिटेल में तो आपको समझना चाहिए कि स्किन इफेक्ट के क्वेश्चन खूब आते हैं, पूछ लेते हैं कभी ये वाली चीज़ें। हालांकि मैं मानता हूँ पावर सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम में आता है क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन्स में बहुत ज़्यादा काम में आती है पावर सिस्टम में, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया स्किन इफेक्ट का भी होना चाहिए। व्हाट इज द एक्सेल रेशियो फॉर एन ई एम वेव, ई एम वेव के अंदर एक्सेल रेशियो क्या होता है, कभी कोई ई एम वेव को देखिए बोलता है इसका एक्सेल रेशियो कितना है। देखिए ई एम वेव का जो एक्सेल रेशियो है ये वर्ड अपने आप में पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग काम में आता है। पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा ई एम वेव में, तो पोलराइजेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं सिर्फ। ई एक्स और ई वाई अगर वेव जा रही है जेड में, तो दो कंपोनेंट जो होते हैं इसके परपेंडिकुलर वेव जो जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई के जो कंपोनेंट होते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ई एक्स और ई वाई का, वो जो रेशियो है वो कहलाता है आपका एक्सेल रेशियो। एक्सेल रेशियो एक वेक्टर, और अब ई एक्स मोड ऑफ ई एक्स अपन मोड ऑफ ई वाई क्यों लिया मैंने, अगर जेड में जा रही तो कहता है एक्स क्रॉस वाई करते हैं तो वेव की डायरेक्शन आती है, तो जो ऊपर है ये मोड ऑफ ई एक्स अपन मोड ऑफ ई वाई लिया, इसे हम बोलते हैं एक्सेल रेशियो। वेव की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये रेशियो लेना होता है दोनों वेक्टर के अंदर, ई एक्स अपन ई वाई लेना है या ई वाई अपन एक्स लेना है, ये वेव की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर जेड में जा रही है तो ई एक्स अपन ई वाई, अगर माइनस जेड में जा रही है तो ई वाई अपन ई एक्स, जो ये रेशियो देता है वो कहलाता है एक्सेल रेशियो। लाइक अगर मैं बात करूं कभी जैसे पूछता है, जैसे ये पूछा क्वेश्चन है मेरे आया हुआ क्वेश्चन शायद है, तो आईएससी वगैरह के अंदर कहीं आया हुआ था या हो सकता है शायद इसरो वगैरह किसी एग्जाम में आया था, किसने बोला कि 45 डिग्री एंगल से लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव है तो उसका एक्सेल रेशियो कितना होगा, इन डीबी में बताया था उसने, तो उसने बोला कि आपको पता है कि 45 डिग्री तो जितना ई एक्स है उतना ही ई वाई है, तो उसका मतलब ये जो एक्सेल रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है वो 1, तो यानी कि डीबी में कितना आएगा 0 डीबी, तो ये 0 डीबी को टिक करना था वहाँ पे कि मोड ऑफ ई एक्स और मोड ऑफ ई वाई की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपको पता है एक्सेल रेशियो भी। Why polarization of EM wave is used? EM wave के अंदर polarization क्यों यूज में जाता है? देखिए polarization इसलिए यूज में लिया जाता है, स्पेशली ये एंटीना में काम में आता है। एंटीना के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर के ऊपर अगर सेम polarization नहीं होगा तो वहाँ पर अगर polarization mismatch हुआ तो वहाँ पे जो ट्रांसमिट की गई एनर्जी वो पूरी रिसीव पे पहुँच नहीं पाती है। और इवन अगर जैसे यहाँ पे मैं सर्कुलरली पोलराइज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई लीनियरली पोलराइज्ड है या इवन पोलराइजेशन टोटली मिसमैच है, तो इवन जितनी भी अपने ट्रांसमिट की वो रिसीव पे कुछ भी नहीं पहुँची। तो सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है एंटीना के लिए वो होता है कि इन दोनों का पोलराइजेशन का मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पोलराइजेशन को पढ़ते भी कि पहले तो हम पोलराइजेशन समझें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ई एक्स और ई वाई के बीच में जो पोलराइजेशन आ रहा है उसका, उनके बीच में जो एंगल है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उसको देखिए जो हम पोलराइजेशन निकालते हैं कि वो लीनियरली है सर्कुलरली, तो जैसा अगर ये यहाँ पे है पोलराइजेशन वैसा का वैसा ही पोलराइजेशन मेरे को रिसीवर पे मिलना चाहिए, पोलराइजेशन मैच्ड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एंटीना में परफेक्टली पोलराइजेशन मैच हो ताकि मैं जो यहाँ से ट्रांसमिट करूँ एनर्जी वो पूरी पूरी रिसीवर पे पहुँच पाए। तो यहाँ पर आपको फिर से कि जो पोलराइजेशन मैचिंग होती है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बेस्ट आइडियल कंडीशन होती है। और ऐसे केस के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जो ई एम वेव है ट्रांसमीटर से जितनी ट्रांसमिट होती है वो सारी की सारी रिसीवर पे पहुँच पाती है। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज द क्वार्टर वेव क्यूडब्ल्यूटी इन ट्रांसमिशन लाइन। क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है एक मैचिंग डिवाइस होता है जिसको हम यूज में लेते हैं मैच करने के लिए, स्पेशली क्यूडब्ल्यूटी को यूज में लेके हम अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जेड नोट है, यहाँ पे लोड जेड एल है, तो हम चाहते हैं कि जेड एल और इक्वल टू जेड नोट होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच कर जाए तो आपको पता है ऐसे केस के अंदर सारी की सारी वेव जो है वो लोड पे ट्रांसमिट हो जाती है, सारी सारी एनर्जी लोड पे ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिटेड पावर होती है आपकी 1 माइनस मोड टाउ स्क्वायर इंटू इंसिडेंट पावर।
चाहता हूँ कि जीरो हो ताकि सारी सारी पावर क्या हो जाए, इंसिडेंट वाली जो पावर है वो ट्रांसमिट हो जाए, ऐसा तभी होता है जब ये मैचिंग हो। अभी लोड और अगर जेड नॉट मैचिंग नहीं है तो आप क्या लगाते हैं, क्यू डब्ल्यू टी क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर, जिसका इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, जेड इन इक्वल्स टू अंडर रूट जेड नॉट इंटू जेड एल, इन दोनों की इसके बराबर आपको पता है, क्योंकि ये लेमड़ा बाई फोर डिस्टेंस के होते हैं, टू एन प्लस वन लेमड़ा बाई फोर होता है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरह से शॉर्ट में लेना पड़ रहा है, मुझे डिटेल में जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियोस बढ़ा के होने की वजह से, लेकिन आपको क्वेश्चन पता चलने से समझ में आ चुका है कि मुझे क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो रूट जेड नोट इंटू जेड एल होता है, अगर लेंथ लेमड़ा बाई फोर होता तो आपको पता है कि लेमड़ा बाई फोर की मल्टीपल लेंथ में आपको पता है कि इंपीडेंस इनपुट इंपीडेंस आता है हमेशा जेड नोट स्क्वायर अपन जेड एल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है अंडर रूट जेड इन इंटू जेड एल, तो उसको ही यूज में लेके मैंने ये फॉर्मुला बनाया यहाँ पे। तो इस तरह से क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया है, एक लैम्डा बाय फोर के ऑड मल्टीपल टाइम लेंथ की एक लाइन होती है जो सिर्फ इसलिए यूज में जा रही है कि एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन को मैं लोड से मैच करा सकूं, इसलिए उसको हम यूज में लेते हैं। तो उसके अंदर जो हम इनपुट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लेते हैं कुछ ऐसा लेते हैं कि जो जेड नॉट इंटू जेड एल के रूट के बराबर हो, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो। ना व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्मिथ चार्ट, स्मिथ चार्ट की लिमिटेशन क्या हो सकती है, कभी पूछते हैं स्मिथ चार्ट की लिमिटेशन क्या होती है, काफ़ी बड़ा अगर इंटरव्यू जाता है तो पूछता है, तो मैं बता रहा हूँ स्मिथ चार्ट की लिमिटेशन क्या हो सकती है। तो स्मिथ चार्ट की लिमिटेशन हो सकती है सर की पहले दो चीज़ें, एक तो स्पेशली फर्स्ट कि ये लॉसलेस होना चाहिए, लॉसलेस लाइन को वो अच्छे से समझाता है। स्मिथ चार्ट को बोलते हैं कैलकुलेटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो कैलकुलेटर जो आपके लिए हेल्प कर रहा है वो तभी हेल्प कर पा रहा है जब आपका एट्रिशन कांस्टेंट क्या हो वहाँ पर जीरो, क्योंकि हमको पता है कि वो लॉसलेस पे ही काम कर सकता है। हमने जितनी भी कहानी की सब लॉसलेस मानते हुए इसमें पढ़ी है। और सेकंड थिंग, इसमें उसको आप लिमिटेशन जो है वो तो है, लेकिन उसको आप इसको अवॉइडेबल लिमिटेशन बोल सकते हैं, जो कि वो बोलती है कि वहाँ पर नॉर्मलाइज इंपीडेंस पे काम होता है, आपको हमेशा केवल इंपीडेंस में कहानी नहीं हो रही होगी, जो आपको इंपीडेंस मिल रहा होगा इनपुट इंपीडेंस अगर आप निकालोगे तो आपको पूरा फॉलो किया होगा प्रोसीजर, इनपुट इंपीडेंस को आपको जेड नोट से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हर कुछ इंपीडेंस नॉर्मलाइज किसके अलोंग जेड नोट के अलोंग, तो वो आपकी कहानी होती है स्मिथ चार्ट की। वैसे इसने कहा कि एक्सप्लेन अगला क्वेश्चन है, स्मिथ चार्ट को समझा दीजिए, आपको बताना चाहिए कि स्मिथ चार्ट होता क्या है, थोड़ा बहुत आप आइडिया दे दीजिए। वहाँ पे हमने कहा था कि ये कैलकुलेटर कहलाता है ट्रांसमिशन लाइन का, हर क्वेश्चन स्मिथ चार्ट से आप कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलती है। मेनली ये बनता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को देखते हुए, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर एक रियल पार्ट और प्लस एक इमेजनरी पार्ट होता है, तो ये जो रियल एक्सिस होती है वो टाउ आर की होती है और ये जो इमेजनरी एक्सिस होती है वो टाउ आई की होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये मोड टाउ है इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूँ, इसको मैं मोड टाउ ई की पावर जे थीटा टाउ भी बोल सकता हूँ, तो जो मोड टाउ है इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो सकती है, तो ये जो मोड टाउ वन है वो मैक्सिमम सबसे बड़ा सर्कल होता है जहाँ पे मोड टाउ की वैल्यू क्या होती है, सॉरी हाँ मोड टाउ की वैल्यू वन होती है जहाँ पे ये रेडियस वन है, और सबसे छोटा सर्कल क्या होता है मोड टाउ इक्वल टू जीरो, और ये जो कांस्टेंट इस तरह से सर्कल तुम्हें मिलेंगे जो कि इसमें नहीं होते, ये कहलाते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो जिसका कांस्टेंट है। मोड टाउ अगर आपका कोई फिक्स है तो पता है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो फिक्स है, वन प्लस मोड टाउ अपॉन वन माइनस मोड टाउ, तो आपको पता है कि यानी कि वो सब मिलेंगे। लेकिन इसमें अब आपको समझाना है कि स्मिथ चार्ट क्या होता है, तो स्मिथ चार्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को एक क्या रेफरेंस लेते हुए हम जो ड्रॉ करते हैं सर्कल्स कुछ जहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सर्कल से मिलकर बनाया जाता है, कुछ ऐसा एक प्रोसीजर जिससे हम कैलकुलेट कर पाएँ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ट्रांसमिशन लाइन की, जहाँ पे ये रिएक्टेंस सर्कल होते हैं और कुछ रेजिस्टेंस सर्कल होते हैं जो इस मैक्सिमा पॉइंट से निकल रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो इसमें चार्ट बनता है, इसमें चार्ट आपके किसके लिए काम में आता है, कैलकुलेशन करने के लिए एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को ईजी वे में, जहाँ पर आप रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सर्कल को यूज में लेकर काम कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वी यूज स्टब मैचिंग एंड विच काइंड ऑफ स्टब मैचिंग यूज्ड, तो स्टब मैचिंग क्यों यूज में लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल से जल्दी से बताता हूँ इस क्वेश्चन का भी आंसर। स्टब मैचिंग आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखे होंगे स्टब मैचिंग के, वाले वो स्टब मैचिंग पे बेस्ट पूछे नहीं गए हों, लेकिन कुछ ऐसे स्टब्स लगाए होंगे आपने, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट स्टब एंड यहाँ देखते हैं हम शॉर्ट सर्किट स्टब। आपने कहा होगा कि जो पावर आपने जनरेट की, पावर जो लोड पे जानी चाहिए सारी अगर मैचिंग है, तो अगर मैचिंग नहीं है तो उसके अंदर कुछ पावर रियल जाती है, कुछ इमेजिनरी पावर भी होती है इसके अंदर, रिएक्टिव पावर भी। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी रियल पावर है वो एटलीस्ट सारी चली जाए यहाँ पे, रिएक्टिव पावर को सप्रेस कर दे, तो हम उससे कुछ डिस्टेंस पे, लोड के से कुछ डिस्टेंस पे एक स्टब लगाते हैं जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ पर जो आने वाली रिएक्टिव पावर है उसको कैंसिल आउट कर दे। इसका कुछ इनपुट इंपीडेंस ऐसा है कि यहाँ पे केवल और केवल रियल इंपीडेंस ही बचे, और ताकि आपकी रियल पावर सारी सारी इसको रियल पावर के फॉर्मेट में सारी सारी पावर यहाँ पे चली जाए, जो आपकी इमेजिनरी पावर बिना बात की वो उसको आप सब हटा सकें यहाँ से। तो ऐसे हम स्टब लगाते हैं यहाँ पे, स्टब तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो ओपन सर्किट स्टब भी होता है, शॉर्ट सर्किट स्टब भी होता है, साथ ही साथ लेंथ के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर सिंगल स्टब भी होते हैं और डबल स्टब भी होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के स्टब हो सकते हैं आपके। अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेफर करते हैं, तो हम शॉर्ट सर्किट स्टब प्रेफर करते हैं,
क्यों करते हैं शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आपको पता है यहाँ से वेव रेडिएट भी हो सकती है, ई एम वेव है, तो आपको पता है कि अगर कहीं भी ओपन सर्किट है तो वहाँ से रेडिएट हो सकती है, जबकि शॉर्ट सर्किट के अंदर ये रेडिएशन नहीं होगा वहाँ पे, तो ये हमारे लिए काम का होता है। साथ ही साथ आपको पता है ये कितनी डिस्टेंस होते हैं, ये एल एस और एल टी का फॉर्मूला, किस स्टब की लेंथ कितनी होती है, कितनी लेंथ डिस्टेंस भी लगाया जाना चाहिए, ये लेंथ भी का भी फॉर्मूला होते हैं। तो ये आपको पता है ये दोनों के दोनों फ्रिक्वेंसी डिपेंड करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई 10 इनवर्स अंडर रूट जेल। आपको बता दो फिर से कि जो ये फॉर्मूले हैं ये सारे सारे स्टब मैचिंग के, ये फॉर्मूले आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि जो एल एस है उस डिस्टेंस को और एल टी की डिस्टेंस को, दोनों को फ़र्क पड़ता है कि फ्रिक्वेंसी आप यहाँ क्या यूज में ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं डबल स्टब मैचिंग की बात करता हूँ तो ये ज़्यादा प्रिफर क्यों किया जाता है, क्योंकि डबल स्टब के अंदर जो एल एस है वो कॉन्स्टेंट होता है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, जबकि बस एल टी ही फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो लेंथ कितनी लेनी है स्टब की ये तो डिपेंड कर रहा होता है फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन एल एस फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए फ्रिक्वेंसी के साथ साथ बार बार मेरे को शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है स्टब को, इसलिए डबल स्टब ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे शॉर्ट सर्किट स्टब ज़्यादा फायदेमंद होता है, दोनों के रीजन मैंने आपको दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो आपके जो सिंगल स्टब है उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि जो नैरो फ्रिक्वेंसी है उसको नहीं भेज सकता, सॉरी नैरो फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है, वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज पे काम नहीं करता। सर क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर पंगा ही होता है, जो आपने फॉर्मूला लिखा होगा जो सबसे पहले जो फैक्टर आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई वाला, उस पर जो लैम्डा है आपका दोनों के अंदर वो लैम्डा होता है सी बाई एफ। अगर फ्रिक्वेंसी आप बहुत हाई ले रहे हैं तो लेमड़ा बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत कम है, इससे जो ये वेवलेंथ की वैल्यू अगर इतनी कम हो गई कि वो लेंथ ही बहुत कम आ गई, तो आपको पता है कि इसके अंदर स्टब लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको पता है कि हम ट्रांसमिशन लाइन जो लगा रहे हैं उसकी लाइन एक लेवल से कम ले नहीं सकते, हमें ये मिनिमम लेंथ तो लेनी होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसकी एक लेंथ होनी चाहिए, कम लेंथ को मैं वहाँ अवॉइड करता हूँ, उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे तो आपको पता है कि आपको वेवलेंथ उतनी कम मिलेगी, तो उस लेवल पे आप बचेंगे क्योंकि वो लेंथ बहुत कम हो जाएगी वहाँ पे। तो ये नैरो फ्रिक्वेंसी भी काम करता है, वाइड फ्रिक्वेंसी भी नहीं करता, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो सिंगल स्टब को हटाने के लिए फिर हम डबल स्टब लगा देते हैं, इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी हद तक गायब हो जाती है। तो डबल स्टब के ये दो तीन फायदे होते हैं जो हम लगाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये स्टब मैचिंग है और स्टब मैचिंग इस तरह से काम करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जा रहे हैं, तो इन जनरल वी कंसिडर लीनियर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम फॉर ईएम वेव प्रोपगेशन, एक्सप्लेन। हम जनरली कौन सा मीडियम लेते हैं, लीनियर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम, ऐसा क्यों लेते हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सी कहानी ये है कि जो हम लेते हैं हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है जो मीडियम के पैरामीटर होते हैं, और जो म्यू होता है वो म्यू नॉट इनटू म्यू आर होता है, ये लीनियर इक्वेशन। आपको पता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स की जो लाइन होती है ये लीनियर होता है, ये सारी सारी लीनियर है, एम एक्स प्लस सी लीनियर नहीं होता है। ये लीनियरिटी में आपको सिखाया होगा सिंगल स्टम के अंदर कि लीनियर के अंदर एम एक्स प्लस सी नहीं आना चाहिए, ये नॉन लीनियर है। अगर आउटपुट इनपुट के बीच में कनेक्शन में देखूँ तो लीनियर कनेक्शन कौन होता है, जो ओरिजिन से निकल रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स, तो ये लीनियर है। ऐसे होमोजेनियस है क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, और आइसोट्रोपिक है क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम मान रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है टाइम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए लीनियर होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम है। जो भी हमारे फॉर्मूला डेरिवेशन है वो सब इस पर टिके हुए हैं। नाउ व्हाट इज द एंटीना एंड हाउ इट वर्क्स। देखिए एंटीना क्या होता है और ये कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए कि एंटीना में एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर होता है। फिर से कहानी इसको आपको समझिए एंटीना की कहानी को। ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर से कुछ वेव जाती है रिसीवर पे, आप उसको एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर पोलराइजेशन मैचिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ ये अपने आप में एक रेसिप्रोकल डिवाइस होता है, जो जो इसकी खूबियाँ हैं उधर उधर भी होनी चाहिए, जो ट्रांसमीटर है वैसा रिसीवर होना चाहिए, इनमें से कुछ मैचिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ अपने आप में ये एज ए ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, जो ट्रांसमीटर है आपका उसके अंदर आप देखते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देते हैं वेव्स को, वो अपने आप में उसको वेव्स को किस में कन्वर्ट करता है, अपने आप में ईएच वेव्स के अंदर वीआई वेव्स आप देते हैं जिसको वो ईएच वेव्स में बदल देता है और ट्रांसमिट करता है। अब रिसीवर के अंदर ईएच वेव्स जो होती है वो वापस वीआई वेव्स के सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आती है। तो इस तरह से तुम्हारे लिए ये एंटीना काम करता है। तो ये सारी कहानी एंटीना की है। नाउ एंटीना के वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको बताता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल एंटीना का ये होता है कि आपको पता है कि जो पावर ये रेडिएट करता है, एंटीना से एक पावर रेडिएट होता है, रिसीवर पर कहीं वो पावर एक्सेप्ट हो रही होती है। तो जो पावर रेडिएशन का जो फंडा है वो ये है कि जो वेवलेंथ है अगर आपकी जहाँ ईएम वेव जनरेट हो रहा है वहाँ पर उसकी जो लेंथ है एल, अगर उस एल के वेवलेंथ मुकाबले में बराबर के मुकाबले में है तो ऐसे केस के अंदर वो जो भी वेव है वहाँ पर वो सारी सारी वेव वहाँ से रेडिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ये वेवलेंथ इवन लैम्डा बाई 2 भी है, लैम्डा बाई 100 तक भी तो भी चलता है, लेकिन अगर ये वेवलेंथ इज टू मच ग्रेटर देन लेंथ एल है तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे तो रेडिएट होती है, ऐसे केस के अंदर तो रेडिएट होती है, लेकिन ऐसे केस के अंदर जब ऐसा हो जाए तो ये सारी सारी पावर क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है वहीं पर। तो एंटीना इस रेडिएशन एंटीना रेडिएशन इसी पे काम करता है कि जो आपकी वेवलेंथ है वो लगभग कंपेरेबल होनी चाहिए। इवन कंपेरेबल का मतलब क्या होता है कि टू लैम्डा इज टू मच ग्रेटर देन एल नहीं होना चाहिए, टू मच ग्रेटर देन एल मैंने वीडियोज़ में भी बताया था आपको इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि
टू मच ग्रेटर देन की क्रिटिकल कंडीशन होती है 100 टाइम्स, कम से कम 100 टाइम्स से तो मतलब जो है वो ज़्यादा होगा तो पावर डिसिपेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो 100 टाइम्स से अंदर अंदर है तो वहाँ पावर वहाँ डिसिपेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये पावर रेडिएट और डिसिपेशन का ये तरीका होता है। आपको पता है कि हमारे जो घरों में 50 हर्ट्ज आता है तो हमने देखा था कि वेवलेंथ लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास आई थी। तो यानी कि ये जो घरों में 50 हर्ट्ज है उस फ्रिक्वेंसी पे तो जो वेवलेंथ है वो जो आपको पता है यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, मीटर में होती है। ट्यूबलाइट की लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी की ले लेंगे आप? आपको पता है फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर कितना होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो आपको पता है इस किलोमीटर की तुलना में लैम्डा तो बहुत बड़ा है उसकी लेंथ से, तो उसका मतलब वो सारी सारी पावर क्या कर रहा होगा, डिसिपेट। तो सारी सारी एनर्जी वहीं डिसिपेट होती है। तो ईएमएफ सारी की सारी यहीं डिसिपेट होती है, यहीं रोशनी मिल रही है हमें, ट्यूबलाइट से जो भी रोशनी मिल रही है सारी की सारी एनर्जी यहीं काम कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ईएमएफ दे रहा हूँ कहीं और काम में आ रही है एनर्जी, ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूँ। सारी सारी इसलिए मैं चाहता हूँ कि लो फ्रिक्वेंसी में दी जाती है। हमारे देश में 50 हर्ट्ज़ पे इसलिए काम कर रहे हैं, अलग जगह पे 100 हर्ट्ज़, 70 हर्ट्ज़, 25 हर्ट्ज़ ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन ये लो फ्रिक्वेंसी पे इसलिए काम करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि सारे जितने भी डिवाइसेस घर में लगे हुए हैं वो सारी एनर्जी को वहीं डिसिपेट कर दें, रेडिएट ना करें। लेकिन वेव का एंटीना में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही लेंथ आपको कम लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस पे प्रिंसिपल पे वो काम करता है एंटीना। ना आपको पता है आइसोट्रॉपिक एंड ओमनी डायरेक्शनल एंटीना में क्या डिफरेंस होता है? तो आइसोट्रॉपिक और ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के अंदर जो डिफरेंस है वो होता है कि आइसोट्रॉपिक एंटीना जो होता है वो अपने आप में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप में एक आभासी एंटीना है जो कि हमको पता है कि एक पैरामीटर की तरह लिया जाता है, चेक करने के लिए लिया जाता है कि आइसोट्रॉपिक जो सारी तरफ सेम रेडिएशंस में भेज रहा हो, जिसकी डायरेक्टिविटी चारों तरफ सेम हो, यानी कि डायरेक्टिविटी मिनिमम हो, वन हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे एंटीना की डायरेक्टिविटी हाई होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में उसकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर जो सबसे मिनिमम डायरेक्टिविटी रखने वाला एंटीना होता है वो आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है। एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप चारों तरफ सेम मात्रा में रेडिएशन दे नहीं सकते। इवन आप आइसोट्रॉपिक एंटीना को अगर हवा में लटका रहे हैं तो जिस के थ्रू लटका रहे हैं उस तरफ उसकी डायरेक्टिविटी कम होगी, बाकी तरफ डायरेक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब दीपक तले अंधेरा, आप जहाँ भी दीपक जलाएंगे उसके नीचे तो अंधेरा ही मिलेगा ना आपको, बाकी चारों तरफ रोशनी सेम मिल सकती है पर वहाँ तो रोशनी कम ही मिलने वाली। तो आपको पता है ये आइसोट्रोपिक एंटीना की कहानी। और ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है, जो कि आपको पता है चारों तरफ जो है पर्टिकुलर किसी एक प्लेन के अंदर सेम रेडिएशन देता हो। तो लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दोनों सेम होते होंगे, दोनों सेम नहीं होते हैं। पर्टिकुलर किसी एक प्लेन के अंदर ओमनी डायरेक्शनल एंटीना एज ए आइसोट्रोपिक एंटीना काम करता है। आइसोट्रोपिक पूरे 3D के अंदर आपके लिए चारों तरफ सेम रेडिएशन लगता है, पर ओमनी डायरेक्शन किसी एक प्लेन के अंदर, पर्टिकुलर किसी एक प्लेन के अंदर सब जगह सेम डायरेक्शन लगता है, उसे हम बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो कुछ ऐसे एंटीना क्वेश्चन होते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना, हाउ कैन वी इंक्रीज द डायरेक्टिविटी? डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना क्या होती है और आपको पता है कि डायरेक्टिविटी को हम कैसे बदल सकते हैं? तो आपको पता है कि इसके बहुत सारे तरीके हैं, स्पेशली बीम विड्थ, अगर आप जितनी कम लेंगे उतनी डायरेक्टिविटी बढ़ेगी। बीम विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टिविटी का, कोई भी बताना चाहिए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एंटीना के रेडिएशन को भेजने की जो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एंटीना की किसी भी एनर्जी को रेडिएट करने की जो पावर है उसकी डायरेक्टिविटी कहलाती है कि उसकी डायरेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्टिविटी इसकी है, और डायरेक्टिविटी ज़्यादा करने का तरीका है उसकी बीम विड्थ को उतना कम कर लीजिए। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, साथ ही साथ अगर आप देखें तो सिंपल सबसे बेसिक फॉर्मूला जो एंटीना पे हम काम करते हैं, इफेक्टिव एरिया का कहानी जो होती है 4π / लैम्डा स्क्वायर * इफेक्टिव एरिया। आपको पता है कि हम इफेक्टिव एरिया को कम ज़्यादा करके भी डायरेक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, तो इफेक्टिव एरिया के साथ इस तरह से कनेक्टेड होती है। ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, कैसे काम लेती है फ्रिक्स इक्वेशन? जो आप जानते हैं कि रिसीवर्ड पावर और रिसीव पावर क्या होती है, ट्रांसमिटेड पावर PT * GT * GR / लैम्डा / 4π r का होल स्क्वायर * PLF, पोलराइजेशन लॉस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, पोलराइजेशन लॉस फैक्टर भी आता है * ऐसे ही वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो पावर होती है केवल PT ट्रांसमिटेड पावर नहीं होती, 1 - मोड टाउ स्क्वायर भी होती है अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी है ट्रांसमिटर का और रिसीवर का, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर उस पर ध्यान नहीं देगा, पर आपसे इंटरव्यू में ये तो जरूर पूछेगा कि मेन फॉर्मूला क्या है फ्रिक्स इक्वेशन का, तो PT * GT * GR * लैम्डा / 4π r का स्क्वायर, तो सब जान सकते हैं * PLF भी है, पावर लॉस फैक्टर, पोलराइजेशन लॉस फैक्टर। पोलराइजेशन लॉस फैक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन में कितना मैच है ये भी हम निकालते हैं पोलराइजेशन लॉस फैक्टर से, जो कि सिखाया था मैंने आपको उन वीडियोस के अंदर, तो वो सब भी चीज़ आप देखें। तो ये एंटीना के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसके सिवा एक क्वेश्चन और होता है एंटीना के लिए कि एंटीना के अंदर आपको 2-3 एंटीना के बारे में बताना चाहिए, जिसकी आपको पैराबोलिक डिश एंटीना के बारे में बताना चाहिए आपको, ऐसे आपको यागी-उडा एंटीना का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यागी-उडा एंटीना हालांकि अब हट गया लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, पर पैराबोलिक डिश एंटीना और हॉर्न एंटीना इन 2-3 के बारे में बताना चाहिए, स्पेशली पैराबोलिक डिश एंटीना और यागी-उडा एंटीना से क्वेश्चन मैंने देखे हुए मेरे इंटरव्यूज में, कहीं मैंने फेस किए हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ना केवल अभी IITs में, भले ही मैं मानता हूँ
कि होता है लाइकली इस तरह क्वेश्चन ना आए, बट फिर भी किसी भी पीएसयू के अंदर स्पेशली वहाँ जहाँ पर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बताते हैं या फिर आप इसरो बार्क डीआरडीओ जिस तरह के अगर आप एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर भी आपको किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इन जनरल भी आपकी प्रिपरेशन से अच्छी होती है। तो ये मेरी तरफ से एक एफर्ट था, ये वो क्वेश्चन थे जो आपके लिए सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस ईएमएफटी सब्जेक्ट के अंदर। होपफुली आपको पसंद आएंगे ये एफर्ट। अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आप लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।